बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जन्म कुंडली देखना सीखें के इस आठवें भाग में आप सभी का स्वागत है। जन्म कुंडली में ग्रहों की दृष्टि का क्या खेल होता है, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का जो यूजर आईडी है वो आपके स्क्रीन पर में है, RAJAMISHR8666। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है जिस पर क्लिक करके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब तक आप जन्म कुंडली देखना नहीं सीखे हो, तब तक अगर आप मुझसे अपने भविष्य के बारे में, अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अगर मुझसे कुछ भी जानना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें संपर्क समय है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। संपर्क सूत्र है आपके पास व्हाट्सएप नंबर 7062757996, जिसमें सबसे कम जो आपको पे करना होगा मिनिमम चार्ज वो मात्र 300 रुपये है। आप मात्र 300 रुपये भी पे करके अपने भविष्य की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। शनिदेव और हनुमान जी दोनों की कृपा आप पर सदा बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो आइए शुरू करता हूं और सबसे पहले ये समझते हैं कि किस ग्रह की दृष्टि किस घर में पूर्ण होती है। एक चरण में होती है, द्वि चरण में होती है, तृतीय चरण में होती है या पूर्ण होती है, यानी कि कम, मीडियम और पूरा। ग्रहों का खेल, ग्रहों की दृष्टि, आइए आज हम और आप मिलकर के यही समझते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर में आपको दिख रहा होगा ग्रहों की दृष्टि। ग्रहों की दृष्टियां 4 प्रकार की मानी गई है। पहला जो है सो एक पाद या एक चरण दृष्टि, जिसको चतुर्थांश दृष्टि भी कहा जाता है। दूसरा जो है वो है द्विपाद दृष्टि या दो चरण दृष्टि, अगर उसको हिंदी में कहूँ तो। और इसका तीसरा नाम जो है वो है अर्धांश दृष्टि भी है। तीसरा जो है आप देख रहे होंगे तीसरे नंबर पर में, त्रिपाद या तीन चरण दृष्टि या तीन चौथाई दृष्टि। चौथा जो है वो है पूर्ण दृष्टि या यूं कहूं तो संपूर्ण दृष्टि। दोस्तों, जन्म कुंडली में जो ग्रह जिस भाव में बैठा होता है उस भाव से तृतीय तथा दशम भाव को एक पाद दृष्टि से देखता है, पंचम तथा नवम भाव को द्विपाद दृष्टि से देखता है। यानी कि ग्रह अगर पहले घर में बैठा हुआ है तो वो अपने से पहले से यानी कि तीसरे घर को वो एक चरण दृष्टि से देखेगा, और दशम यानी कि तीसरा और दसवां जो घर है उन दोनों को वो एक चरण दृष्टि से देखेगा, और पांचवा और नौवां को दो चरण दृष्टि से देखेगा, और चौथा और आठवां को वो तीन चरण दृष्टि से देखेगा, और अपने से ठीक सातवें घर को, सातवें भाव को वो पूर्ण दृष्टि से देखेगा। आगे एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा। यह नियम जो है जो सामान्य नियम है सभी ग्रहों पर में लागू होता है, परंतु इन दृष्टि के अतिरिक्त मंगल, मंगल जिस भाव में भी बैठा हो, किसी भी घर में बैठा हो, ये तो सामान्य नियम हो गया जो हर एक ग्रह पर में लागू होता है, लेकिन इस दृष्टि के अतिरिक्त मंगल जिस भाव में बैठा होता है वहां से सप्तम भाव के अतिरिक्त चतुर्थ तथा अष्टम भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। सप्तम भाव यानी कहने का मतलब यह है कि मंगल जिस किसी भी भाव में बैठा हो वहां से सातवें घर को, वहां से सातवें घर के अतिरिक्त यानी कि सातवें को तो पूर्ण दृष्टि से सभी ग्रह देख ही रहे हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी चौथे और आठवें घर को भी मंगल पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार गुरु जिस भाव में बैठा हो वहां से सातवें भाव के अतिरिक्त पांचवें और नौवें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है, और शनि भी जिस भाव में बैठा हो वहां से सप्तम भाव के अतिरिक्त तृतीय और दशम भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। सातवें घर को तो सभी ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते ही हैं, लेकिन इसके अलावा शनि सातवें घर को छोड़ करके भी तीसरे और दसवें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। अपूर्ण दृष्टि को खंड दृष्टि भी कहा जाता है। इसका उल्टा नियम राहु और केतु पर में लागू होता है। राहु केतु की दृष्टि अन्य ग्रहों के समान सीधी न पड़कर उल्टी पड़ती है।
जैसे लग्न में बैठा हुआ मंगल तृतीय और दशम भाव को एक चरण दृष्टि से एक पाद दृष्टि से देखेगा, तो लग्न बैठे राहु और केतु एकादश तथा चौथे भाव को एक पाद दृष्टि से देखेंगे। यानी कि मंगल तीसरे और दसवें घर को एक चरण दृष्टि से देखा और राहु सीधा 11वें और चौथे घर को एक चरण दृष्टि से देखा। आगे मैं आपको कुछ उदाहरण बताने जा रहा हूं, जैसे कि आप देख रहे हो सूर्य की भिन्न भावों पर दृष्टि आपके सामने दिखाई दे रही है। अब ये देखो आप, ये सूर्य है, ये सूर्य पहले घर में बैठा हुआ है। मैंने जैसा कि आपको बताया सामान्य नियम, मैंने आपको क्या बताया एक बार आप फिर से देख लो, मैंने बताया कि ग्रह अगर किसी भी घर में बैठा हुआ है तो अपने से तीसरे और दसवें भाव को एक चरण दृष्टि से देखता है। तो अब यहां पर मैं देखना है कि ये नियम लागू होता भी है या नहीं। अगर लागू होता है, देखो सूर्य पहले घर में बैठा हुआ है और ये तीसरे और दसवें, यानी कि ये जो तीन लिखा हुआ है और ये जो दस लिखा हुआ है, इन दोनों घर को ये एक पाद दृष्टि से देख रहा है, यानी कि एक चरण दृष्टि से देख रहा है, पहला नियम। दूसरा, एक पाद वाली बात खत्म हुई। दूसरी, पंचम और नवम भाव को द्विपाद दृष्टि से देख रहा है, यानी कि दो चरण दृष्टि से देख रहा है, पांचवें को और नौवें को। ये देखो सूर्य एक में बैठा है, ये पांचवा घर है और ये नौवा घर है, इन दोनों को द्विपाद दृष्टि से देख रहा है। उसके बाद चौथे और आठवें घर को त्रिपाद दृष्टि से देखता है, यानी कि तीन चरण से चौथे और आठवें को देखता है। तो यहां पर मैं देखो चौथे और आठवें को त्रिपाद से देख रहा है, ये पहला हुआ घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे को त्रिपाद से देख रहा है और आठवें को भी त्रिपाद से देख रहा है, यानी कि चौथे और आठवें दोनों को त्रिपाद दृष्टि से सूर्य देख रहा है। अब इसके बाद त्रिपाद दृष्टि की भी बात समाप्त हुई, अब सप्तम भाव को वो पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो अब यहां पर मैं देखने वाली बात यह है कि सूर्य अपने से सप्तम भाव में पूर्ण लिखा हुआ है, हाँ पूर्ण लिखा हुआ है, तो सूर्य अपने से सातवें घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और देखता है। तो ये पहला एग्जाम्पल हुआ। टिप्पणी में बताया गया है कि जिस भाव में भी सूर्य बैठा हो उस भाव में से उपर्युक्त आधार पर उसकी खंड तथा पूर्ण दृष्टि के विषय में भी समझ लेना चाहिए। अब उसी प्रकार सूर्य का हो गया, अब चंद्रमा का देखो। चंद्रमा तीसरे और दसवें, सामान्य नियम जो है दोनों को एक पाद दृष्टि से देख रहा है, चंद्रमा चौथे और आठवें दोनों को द्विपाद दृष्टि से देख रहा है, चंद्रमा पांचवें और नौवें इन दोनों को द्विपाद दृष्टि से देख रहा है, चंद्रमा फिर चौथे और आठवें इन दोनों को त्रिपाद दृष्टि से देख रहा है, और अपने के जस्ट सामने यानी कि सातवें वाले को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। यानी कि ये नियम जो है सामान्य नियम सूर्य पर भी लागू हुआ, सूर्य में भी सेम सिचुएशन, चंद्र में भी सेम सिचुएशन। अब आगे आप देखो सूर्य चंद्र के बाद अब बात आती है मंगल की। मैंने बताया आपको कि जो भी ग्रह अपने घर में बैठा है वहां से तीसरे और दसवें घर को एक चरण यानी कि एक पाद दृष्टि से देखता है, तो मंगल तीसरे और दसवें घर को एक पाद दृष्टि से देख रहा है। मैंने आपको बताया कि जो भी ग्रह बैठा हुआ है अपने घर में वहां से पांचवें और नौवें घर को द्विपाद दृष्टि से देखता है, तो मंगल पांचवें और नौवें घर को द्विपाद दृष्टि से देख रहा है। मैंने आपको बताया कि चौथे और आठवें घर को त्रिपाद दृष्टि से देख रहा है, तो मंगल भी चौथे और आठवें घर को त्रिपाद दृष्टि से देख रहा है। मैंने आपको बताया कोई भी ग्रह जिस घर में बैठा है वहां से सातवें घर को वो पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो आप देख रहे हो सातवें घर को ये पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मंगल पर में इसके अतिरिक्त भी नियम लागू होता है, जो मंगल अपने से चौथे और आठवें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो मंगल यहाँ पर में चौथे, सातवें और आठवें इन तीनों घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। पहला जो नियम था वो तो नियम है ही, उसमें ऐड क्या हो गया कि मंगल इसके अतिरिक्त चौथे और आठवें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है।
मंगल, इसमें यहाँ पे टिप्पणी में क्या दिया गया कि जिस भाव में भी मंगल बैठा हो उस भाव से उपयुक्त आधार पर उसकी खंड तथा पूर्ण दृष्टि के नियम को भी समझ लेना चाहिए। चलिए ठीक है, बुध की अब बात आती है। पहले हम लोग वही नियम लागू करेंगे और बुध पर में वही नियम लागू भी होगा। बुध जो है अपने से तीसरे और दसवें को एक चरण दृष्टि से एक पाद दृष्टि से देखेगा। बुध जो है सो अपने से पांचवें और नौवें घर को एक द्विपाद दृष्टि से देखेगा। बुध जो है अपने से चौथे और आठवें घर को त्रिपाद दृष्टि से देखेगा और बुध अपने से जस्ट सामने के सातवें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो बुध पर में विशेष नियम नहीं है। अब बात आती है गुरु की। गुरु पर में विशेष नियम है। उन सभी नियमों के अलावा बताया गया आपको कि गुरु जो है सो अपने से सातवें घर के अलावा भी गुरु पांचवें और नौवें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो आप देख रहे हो नौवें और पांचवें और सातवें, इन तीनों में पूर्ण भी लिखा गया है। यानी कि सामान्य नियम जो है सो तो है ही, लेकिन गुरु जो है सो पांचवें नौवें और सातवें इन तीनों को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसके बाद आती है शुक्र की। तो शुक्र में ऐसा कोई भी विशेष नियम नहीं है, जैसा जो सामान्य नियम है वही नियम शुक्र पर में लागू होता है। एक केवल सातवें घर को पूर्ण दृष्टि से, तीसरे घर को एक पाद, तीसरे को और दसवें को एक पाद, पांचवें को और नौवें को द्विपाद, चौथे को और आठवें को त्रिपाद और सातवें को पूर्ण। अब बात आती है शनि की। शनि में विशेष नियम भी लागू है। शनि में सामान्य नियम के अलावा भी बताया गया आपको कि शनि तीसरे और दसवें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। देख लो, शनि के तीसरे घर में पूर्ण लिखा हुआ है, सातवें घर में पूर्ण लिखा हुआ है, दसवें घर में भी पूर्ण लिखा हुआ है। यानी कि सातवें घर के अलावा भी तीसरे और दसवें घर को वो पूर्ण दृष्टि से देखता है। अब राहु की बात आती है। तो राहु क्या करता है सो देखो, राहु अगर मान लो पहले घर में बैठा हुआ है तो वह अपने से चौथे घर को एक पाद दृष्टि से देखेगा और ग्यारहवें घर को एक पाद दृष्टि से देखेगा। राहु अपने से पांचवें घर को द्विपाद दृष्टि से देखेगा और नौवें घर को भी द्विपाद दृष्टि से देखेगा। राहु अपने से छठे घर को त्रिपाद दृष्टि से देखेगा और दसवें घर को भी त्रिपाद दृष्टि से देखेगा। उसके बाद राहु अपने से सातवें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो ये राहु का हो गया। दृष्टि का जब खेल मैं आपको समझाऊंगा कुंडली में, उस वक्त आपको ये ध्यान रखना होगा कि दृष्टि का यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ इतने चरण को ये लोग देखते हैं। अब बात केतु की आती है। तो केतु का भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन है। चौथे और ग्यारहवें को एक पाद, पांचवें और नौवें को द्विपाद, छठे और दसवें को त्रिपाद और सातवें को पूर्ण दृष्टि से केतु भी देखता है। तो यही आज मैं आपको यही समझाने वाला था। टिप्पणी में क्या दिया गया है उसे भी आप सुन लो। जिस भाव में भी केतु बैठा हो उस भाव के में उपयुक्त आधार पर उसकी खंड पूर्ण दृष्टि के विषय में समझ लेना चाहिए। खंड दृष्टि। अब विशेष टिप्पणी दी गई है। कुछ विद्वानों के मतानुसार राहु और केतु की खंड दृष्टि एक पाद द्विपाद त्रिपाद होती ही नहीं है। प्राचीन भारतीय ज्योतिष में राहु केतु की ना तो अंतर्गत इसकी गणना की गई थी, ना इसके दृष्टि संबंध में हुआ था। यानी कि प्राचीन दृष्टि में, प्राचीन काल में राहु और केतु का कोई स्थान जन्म कुंडली में नहीं दिया गया था। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको दृष्टि का खेल समझाने का प्रयास किया। मैंने आपको ये बताया, सिर्फ खेल भी कहाँ समझाया, मैंने आपको तो केवल इतना समझाया कि कौन से ग्रह किस घर में एक पाद, किस घर में द्विपाद, किस घर में तृतीय पाद और किस घर में पूर्ण दृष्टि रखता है, उसके नियम मैंने आज आपको बताए। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए बेनिफिशियल साबित अवश्य हुई होगी। अगर वाकई कुछ ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगले भाग का इंतजार करें। धन कुंडली देखना तो आप पूरा सीख ही जाओगे। अगर आपको पसंद आया तो एक बार फिर से जरूर सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।